हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो आज हमारा फिफ्थ एंड लास्ट डे है और आज जा रहे हैं ब्रसल्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप ब्रसल्स बहुत अच्छे से घूम सकते हैं 2 दिन के अंदर। सो हमारा ये ट्रिप 1.5 डे का था और हमने ब्रसल्स के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे अमेजिंग फूड ट्राई किए हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने फर्स्ट डे क्या किया ब्रसल्स में, कितने प्लेसेस विजिट किए और उसके बाद हम नेक्स्ट डे का प्लान बनाएंगे। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको चर्चेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं आवर लेडी ऑफ ब्रसल्स चर्च, जो कि काफ़ी ह्यूज और ब्यूटीफुली बनाया गया है। इसकी एंट्री फ्री है, आप इसके अंदर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंगली इस चर्च को बनाया गया है। इस चर्च की एक एक वॉल और एक एक स्टैचू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आपको लगेगा नहीं कि ये इतने ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि ये वेल मेंटेन है और यहाँ पर काफ़ी लोग विजिट करते हैं। आपको दिखेंगे कैंडल्स जलते हुए, क्योंकि लोग प्रेयर्स करने यहाँ पर आते हैं और काफ़ी शांति है। सो अगर आप चाहें तो हाफ एन आवर या 1 आवर इस चर्च में जाकर विजिट कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुल चर्च अंदर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जब ब्रसल्स में हैं तो आप वॉकिंग टूर ही करें, क्योंकि ब्रसल्स बहुत सुंदर है और यहाँ पर हर दूसरी रोड पर आपको कुछ अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आपको दिखेंगे कि यहाँ पर वॉल्स पे पेंटिंग्स हैं बहुत सुंदर सुंदर और यहाँ पर हैंगिंग साइकिल्स हैं वॉल्स पर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए हुए हैं बहुत ब्यूटीफुल कलर्स के साथ। और अब हम आ गए हैं एक बहुत ही फेमस प्लेस में ब्रसल्स के, तो चलिए ये देखते हैं अभी। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैनेकन पीस, जहां पर एक स्टैच्यू में छोटा सा बच्चा पी करते हुए नजर आ रहा है। ये वन ऑफ द सिंबल है बेल्जियम एंड ब्रसल्स का। ये बहुत पहले बनाया गया था, तब इसका पानी मींस इस फाउंटेन का पानी एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाता था, बट उसके बाद 16th सेंचुरी में इसे ब्रॉन्ज के स्टैचू से रिप्लेस किया गया। और ऐसा कहते हैं कि ये बच्चा जो है बेल्जियम का ओल्डेस्ट पर्सन है, और जब भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कोई भी इवेंट्स होता है तो इस बच्चे को उस कॉस्ट्यूम में रखा जाता है। जैसे कि कोई म्यूजिकल फेस्टिवल है तो उसे म्यूजिकल क्लोथ्स पहनाए जाते हैं, बट ये हमेशा पी करते रहता है। तो ये थोड़ा सा फन फैक्ट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे लोग कितना एंजॉय करके यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं। तो अगर आप ब्रसल्स आते हैं तो यहाँ आना ना भूलें। ये एक अच्छा सिंबल तो है ही जो आपको ज़रूर देखना है। उसके अलावा ये पूरा स्ट्रीट फुल ऑफ फूड एंड कैफेज है, जहाँ पे आपको जो बेल्जियम का एंड ब्रसल्स का जो स्पेशल फूड है, जैसे वाफल्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ मिलेगा। तो आप बहुत कुछ यहाँ इन्जॉय कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे लोग यहाँ पर कितनी भीड़ के साथ आए हैं और कितना इन्जॉय कर रहे हैं। सो अब हम जाएंगे, हम भी कुछ देखते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमें भी यहाँ का स्पेशल फूड ट्राई करना है।
मैनेकन पीस से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा सकते हैं स्क्वायर ऑफ ब्रसल्स, और यहाँ पर आपको सबसे अमेजिंग चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है ग्रैंड पैलेस, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेस है। सो चलिए अब हम ये स्क्वायर घूमते हैं। अभी हम हैं ग्रैंड पैलेस में, जो कि मैनेकन पीस से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये फेमस है अपने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की वजह से, ये बहुत ही डेकोरेटिव स्ट्रक्चर है जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये ब्रसल्स का सिटी स्क्वायर होने के साथ साथ दुनिया के जो सबसे सुंदर स्क्वायर्स हैं उसमें आता है, और इसी के साथ साथ इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कितना ब्यूटीफुल होगा, और आपको दिख ही रहा है अभी मेरे पीछे कि कितनी सुंदर जगह है और कितने सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर स्ट्रीट व्यू है ब्रसल्स का। सो इन सेंट्रल स्क्वायर ये ग्रैंड पैलेस हमने फिर से रात को विजिट किया, और हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि जिस आर्किटेक्ट ने ये ग्रैंड पैलेस बनाया था उसे एक मिस्टेक हो गई थी, और उसने जब ये मिस्टेक रियलाइज़ की तो उसने इसी बिल्डिंग से छलांग मारकर अपनी जान दे दी थी। सो उसने सुसाइड कर लिया था, और रीज़न ये था कि अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो सेंटर से ये बिल्डिंग इक्वली दोनों साइड डिस्टेंस पे सही नहीं है, अलग अलग है, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, जो क्लियरली दिखाई देती है। पर हमने इसके पैलेस को नोटिस नहीं किया था, जब हमें हिस्ट्री पता चली तभी हमने इसको नोटिस किया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट डे, अब मैं कल आपको दिखाऊंगी कुछ और अमेजिंग चीज़ें जो ब्रसल्स में हैं, जो कि एक्चुअली सेंटर से थोड़ी दूर थी इसलिए हमने उसको दूसरे दिन के लिए रिजर्व रखा। सो तब तक के लिए बाय बाय।